हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं सूरजपुर और अभी दोपहर के बज रहे हैं 1। तो चलिए आज मैं आपको सूरजपुर का सीन दिखाऊंगा। एक्चुअली हम लोग एक फ्रेंड का किसी काम से पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं, उसका फॉर्म जमा करने के लिए। तो आज सूरजपुर का सीन आपको दिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने रूम में आ गया हूँ। थोड़ा एक फ्रेंड का ज़रूरी काम था आधा अधूरा, उसको पूरा कर रहे हैं। ये देख सकते हैं मेरा शेखर फ्रेंड है। थोड़ा इधर देखा यार अपना चेहरा, हाय बोल दो। हाय। तो अभी थोड़ा सा हम लोग का काम बचा हुआ है फॉर्म का, उसको पूरा कर रहे हैं, उसके बाद चलेंगे सूरजपुर। फ्रेंड्स, अभी हम लोग सूरजपुर पोस्ट ऑफिस में पहुंच गए हैं। ये देखिए मेरे बैकग्राउंड में पोस्ट ऑफिस। अभी हम लोग जिस काम से आए थे वो नहीं हुआ, क्योंकि आज हाफ डे था तो हम लोग का काम नहीं हुआ, तो हम लोग दोबारा घर जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अभी हम लोग पोस्ट ऑफिस के जस्ट बगल में बस स्टैंड है, पुराना बस स्टैंड सूरजपुर, देख सकते हैं यहीं पर। तो मैं थोड़ा मास्क भी पहन लिया हूँ, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करना है, क्योंकि अभी कड़ाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया है लॉकडाउन के चक्कर में। मतलब अभी कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए अभी लॉकडाउन फिर से शायद हल्का हल्का लग रहा है, इसीलिए मास्क ज़रूरी हो गया है, 2 गज दूरी मास्क ज़रूरी। और हम लोग अभी आए थे यहीं पे जस्ट न्यायालय में, न्यायालय का फॉर्म जमा करने के लिए सूरजपुर पोस्ट ऑफिस, लेकिन आज सैटरडे था तो काम नहीं हुआ। ये देखिए मेरे बैकग्राउंड में न्यायालय। और अब काम तो हुआ नहीं, तो अब हम वापस चलते हैं घर, आपको जाते टाइम का सीन दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग केनापारा के पर्यटन स्थल में पहुंच चुके हैं, जो हम लोग के गांव के जस्ट बगल में हैं। आप देख सकते हैं यहां पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन, मतलब निर्माण का कार्य चल रहा है, मतलब कार्य प्रगति पे है देखा जाए तो। ये देखिए, ये हम लोग का छत्तीसगढ़ का मतलब पहला वाटर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यहीं पर है, मतलब पानी में तैरता हुआ रेस्टोरेंट है। आपको अभी सीन दिखाएंगे आगे जाते हुए। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं यहाँ पे पोखर है, और पोखर में यहाँ पे 2-3 नाव हैं, जिसमें आप सवारी कर सकते हैं। शायद 100 या 150 रुपये इसका टिकट है। और अगर हम आगे जाकर आपको वहाँ दूर दिखाएं, तो वहाँ पर जो पानी में तैरता हुआ दिख रहा है, वो वाटर फ्लोटिंग मतलब पानी में तैरता हुआ रेस्टोरेंट है। आप वहाँ जा के अपने मनपसंद के हिसाब से कुछ भी खा सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको अभी ये नाव दिखा रहा हूँ, मतलब बोट, वाटर बोट, मोटर बोट।
बगल में आप यहाँ पे अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे छोटा छोटा पहाड़ बना हुआ है और पहाड़ के ऊपर छोटा छोटा घर बना है। मतलब जो भी आते हैं यहाँ पे उनको ठहरने के लिए व्यवस्था ऊपर बनाया जा रहा है, ये देखिए। और अगर और आगे जाएंगे तो आपको और भी बहुत कुछ दिखेगा। अभी थोड़ा सा यहाँ का लोकेशन जो है थोड़ा उबड़ खाबड़ और थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, क्योंकि अभी मतलब निर्माण कार्य प्रगति पे है, पर जैसे ही निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो हम दोबारा आएंगे इसका पूरा का पूरा व्लॉग बनाने के लिए। तो ये है हमारे शेखर भाई साहब जो कोरोना गाइडलाइन का पूरा पूरा पालन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है यहाँ पे मतलब रेस्टोरेंट भी चलता है और इसके साथ साथ मछली पालन का भी काम चलता है। जो डब्बे के गैप है उसके बीच में मतलब मछली भी पाला जाता है, और उस साइड अगर देखेंगे तो आपको रेस्टोरेंट भी दिखेगा, अभी दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग आपको जो दूर से दिखाए थे जिसका व्यू, अभी हम आपको थोड़ा पास से दिखा देते हैं। ये जो मतलब डब्बा है प्लास्टिक का बना हुआ है, इसको जोड़ के आपस में ऐसे मतलब शेप दिया गया है। इसके बीच में जो छोटा छोटा गैप बना हुआ है, इसके बीच में ही मतलब मछली को पाला जाता है, और नीचे मतलब जाली है जो पानी के नीचे ही लटका हुआ है, ताकि जब मछली बढ़ जाता है तो उस जाली को उठा के मछली को निकाल लिया जाता है। और इसी के ऊपर मतलब स्टोर रूम भी बना हुआ है, ताकि जो भी मतलब मछली का चारा वगैरह या जो भी सामान या टूल हो उसको मतलब इसमें कर दिया जाए। आप देख सकते हैं थोड़ा सा अगर मैं आपको जूम करके दिखा दूँ तो जो जाल होता है वहाँ लटका हुआ भी है, और भी मतलब जो डब्बे हैं उसमें जाली लगा हुआ है, पर वो मतलब पानी के अंदर है तो दिख नहीं रहा है, पर उसको शायद उठाया गया है इसलिए वो जाली अभी ऊपर ही दिख रहा है। और इसके जस्ट बगल में आपको दिखाऊं तो वो देखिए, थोड़ा पास जाके दिखाता हूँ। अगर मैं आपको पास जाके दिखाऊं तो वहाँ पे जो दो ठो छोटा छोटा और घर बना हुआ है जिसके ऊपर आपको मतलब सोलर पैनल भी दिख रहा है, वो मतलब रेस्टोरेंट है। आपको थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा दूँ तो वहाँ पे देखिए मतलब चेयर भी लगा हुआ है, ताकि जो भी मतलब रेस्टोरेंट में आए वहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, और खाने पीने का भी पूरा व्यवस्था वहीं पे बनाया गया है। आपको यहाँ पे बहुत सारे मतलब खाने को मिल जाएगा, जैसे कि पिज्ज़ा बर्गर वगैरह वगैरह और भी बहुत कुछ है। अगर आप आइएगा तो रेस्टोरेंट में विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और इसके बगल में भी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे और भी बहुत सारा मतलब निर्माण का कार्य चल रहा है। जब ये बन जाएगा तो मैं आपको यहाँ का पूरा सीन आपको दिखा दूँगा। ये पहाड़ है, इसको थोड़ा सा मतलब खोदा गया है, ताकि इसको मतलब और भी मतलब नाली बनाना था, और भी निर्माण कार्य है जो भी होना बाकी है। इसके साथ साथ मैं आपको अभी और भी सीन दिखाऊँगा, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, तो हम लोग पहुंच गए हैं अभी केनापुरा के वाटर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में, अभी आपको वीडियो बना के दिखाए थे तो मैं सोचा एक बार थोड़ा सा और दिखा दूं। और देख सकते हैं मेरा जो मास्क था भी मैंने निकाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा उतना नियम कानून है नहीं, तो अभी थोड़ा दो गज दूरी मास्क जरूरी को थोड़ा इग्नोर कर दिए हैं। तो आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं वहाँ पर रेस्टोरेंट, और यहीं पर वाटर फ्लोटिंग मतलब जो मतलब डब्बा है जिसमें मछली पाला जा रहा है, मछली पालन किया जा रहा है, वो भी दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो ये रेस्टोरेंट है वो छत्तीसगढ़ का पहला वाटर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। तो आप जब भी केनापारा या अंबिकापुर कहीं भी आते हैं तो आप इस केनापारा के वाटर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इसमें और भी निर्माण कार्य अभी प्रगति पर हैं, तो जब ये पूरा तरीका से बन जाएगा तो आपको यहाँ आने में और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो फ्रेंड्स हम लोग फाइनली घूम फिर के सूरजपुर से आ ही गए हैं। अभी शाम को 5 बज रहे हैं। हम लोग सूरजपुर किसी काम से गए थे, पोस्ट ऑफिस पर वो काम हुआ नहीं क्योंकि आज सैटरडे था, तो हम लोग दोबारा से मंडे को जाएंगे। हम लोग का प्लानिंग केनापारा में वैसे घुसने का तो नहीं था, पर सोचे कि घुस के थोड़ा बहुत वीडियो बना लें। क्या अभी केनापारा में मतलब निर्माण का कार्य मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अभी उतना ज़्यादा व्यू अच्छा नहीं आया होगा, पर जैसे ही मतलब पूरा काम हो जाएगा उसके बाद हम लोग दोबारा केनापारा जाएंगे ब्लॉग बनाने के लिए। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।